नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 अगस्त 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हाल ही में हो गया। विच कंट्रीज फॉर्मर पॉलिटिशियन एंड नोबेल लॉरिएट जॉन ह्यूम हैज पास्ट अवे रिसेंटली। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी आयरलैंड। 3 अगस्त को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जॉन ह्यूम को अपने देश उत्तरी आयरलैंड में विद्रोहियों के साथ समझौता कराने में अहम भूमिका के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस समझौते की वजह से उत्तरी आयरलैंड में हिंसा खत्म हुई थी। तो देखिए, ये मैप ध्यान से देखिए, ये रहा उत्तरी आयरलैंड और ये है आयरलैंड। आप एटलस में मैप में जाके यूके, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन को अच्छे से स्टडी कीजिए। तो देखिए, ये जो पूरा एरिया है उसको कहते हैं ब्रिटिश द्वीप या ब्रिटिश आइल्स। उसमें से यदि आप आयरलैंड को हटा देंगे तो वो बन जाएगा यूके। उसके बाद यूके में से आयरलैंड को हटा देंगे तो ये बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन में से स्कॉटलैंड और वेल्स को हटा देंगे तो बचेगा इंग्लैंड। किस मंत्रालय को आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? विच मिनिस्ट्री हैज बीन अवार्डेड स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 फॉर आईटी इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का एक भाग है, जिसका शीर्षक था डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड-19 का मुकाबला कर रहा भारत। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और ई गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने DBT मिशन के अंतर्गत सभी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को DBT पोर्टल के साथ एकीकृत किया है और इसी के लिए इसे ये अवार्ड मिला है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? CAG। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। 8 अगस्त को भारत के 14वें CAG बने हैं। राजीव महर्षि का इन्होंने स्थान लिया है। गिरीश उड़ीसा के रहने वाले हैं। 1985 बैच के IAS अधिकारी मुर्मू को अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे की समाप्ति के बाद राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था। ध्यान में रखिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की नियुक्ति करती है प्रेसिडेंट आर्टिकल 148 के तहत, यानी अनुच्छेद 148 ध्यान में रखना है। अब गिरीश चंद्र मुर्मू को तो CAG नियुक्त किया गया है, उसके स्थान पर जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, मगर पिछले साल वो गाजीपुर, जहां उनका जन्म स्थान है UP में, वहां से चुनाव हार गए थे। अनिल बैजल ये हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिनेश्वर शर्मा ये हैं लक्षद्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और राधा कृष्ण माथुर ये हैं लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि अभी भी पद पर बने हुए हैं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की किस शैली में किया जाएगा? इन विच स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर विल द श्रीराम टेम्पल बी बिल्ट इन अयोध्या? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली में इसका निर्माण किया जाएगा। हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया जाता है। एक है वेसरा स्टाइल, दूसरा है नगरा स्टाइल, और तीसरा है द्रविड़ स्टाइल। ये अवध स्टाइल नाम का कुछ होता ही नहीं है मंदिर में। तो ये 3 स्टाइल है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में 5 गुंबद होंगे, जिसकी तस्वीर देख रहे हैं। एक ये रहा, 1, 2, 3, 4 और इधर ये 5 गुंबद होंगे। देखिए, नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगरों के निर्माण में इस शैली के प्रयोग के कारण इसे मंदिर वास्तुकला की नागर शैली कहते हैं। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है, जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच
उत्तर भारत के मौजूदा शासकों द्वारा पर्याप्त संरक्षण दिया गया था। और ये जो द्रविड़ स्टाइल है ये आपको साउथ इंडिया में मंदिरों में देखने को मिलेगी, और ये वेसरा स्टाइल है, ये दोनों का मिश्रित रूप है। न्यूज़ में क्यों है ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को ऐतिहासिक श्रीराम मंदिर का भूमि पूजन व शिलान्यास किया है। HDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ द HDFC बैंक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, शशिधरन जगदीशन। जगदीशन 27 अक्टूबर को वर्तमान MD आदित्य पुरी का पदभार संभालेंगे और 3 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। RBI ने जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जगदीशन ने 1996 में इस बैंक को ज्वाइन किया था। ध्यान में रखिएगा कि ये प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है HDFC। ऑप्शन नंबर A, B श्रीराम, ये है IDBI बैंक के MD और CEO। ऑप्शन नंबर B प्रशांत कुमार, ये है यस बैंक के MD और CEO। और ऑप्शन नंबर C संदीप बख्शी, ये है ICICI बैंक के MD और CEO। ये सभी चारों प्राइवेट बैंक ही हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द UPSC? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, प्रदीप कुमार जोशी को। ये 7 अगस्त 2020 से लेकर 12 मई 2021 तक पद पर बने रहेंगे। शिक्षाविद प्रोफेसर जोशी वर्तमान में UPSC के सदस्य के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि ये अब UPSC के चेयरमैन बन गए हैं, तो एक सदस्य का पद रिक्त हो गया है। UPSC के अध्यक्ष के तौर पर जोशी ने अरविंद सक्सेना का स्थान लिया है। UPSC में एक चेयरमैन होते हैं और यूजुअली 9 से लेकर 11 मेंबर होते हैं, और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 316 के तहत किया जाता है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपार्ड कंजर्वेशन सेंटर विल बी ओपन्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का उद्देश्य स्थानीय समुदाय की मदद से हिम तेंदुओं की रक्षा करना है, साथ ही पर्यटन के माध्यम से आसपास के गांवों के स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। इस संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के साथ मिलकर की जाएगी। इस केंद्र का निर्माण एक 6 वर्षीय प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालयास के तहत किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? विच इज द फर्स्ट अरब कंट्री टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, संयुक्त अरब अमीरात UAE। बाराकास न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट में 4 रिएक्टरों में से पहले रिएक्टर का संचालन शुरू हो गया है। यह अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो अबू धाबी के अल दफड़ास रीजन में स्थित है। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता 5600 मेगावाट है, जिसका उद्देश्य UAE में 25% ऊर्जा की आपूर्ति करना है। COVID-19 से संबंधित सभी जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य में संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? अ मोबाइल ऐप नेम्ड संजीवन हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू COVID-19 इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, बिहार में। केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु के तर्ज पर यह ऐप संक्रमितों को बताएगा कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए क्या करना है, जांच कहां करानी है, इलाज कैसे करना है, साथ ही जिन अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है वह कौन कौन से अस्पताल हैं। इस ऐप में चैटबॉट की भी व्यवस्था है, जिस पर COVID-19 से संबंधित प्रश्न, टोल फ्री नंबर इत्यादि उपलब्ध है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, अजय त्यागी हैं। अजय त्यागी 1 मार्च 2017 में 3 साल के लिए SEBI के चेयरमैन बने थे। उनसे पहले UK सिन्हा 6 साल तक इस पद पर रह चुके हैं। मार्च 2020 में 6 महीने के लिए अगस्त 2020 तक के लिए सेवा विस्तार दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिए और बढ़ाने को मंजूरी दे दी। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है?
तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर इस राज्य में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। महेंद्र कर्मा बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे। वह आदिवासियों के हक की लड़ाई में दमदारी से खड़े रहे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में महेंद्र कर्मा समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी और इन्हीं के नाम पर यह योजना शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान कौन है? हु इज द स्कीपर विद मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इयान मॉर्गन, और यह है इंग्लैंड के कप्तान। मॉर्गन ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 84 गेंदों में 106 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 15 चौके और 4 छक्के लगाए। इस 4 छक्के के साथ ही कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के जड़ दिए हैं और उन्होंने भारत के महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ई रक्षाबंधन नामक साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम कॉल्ड ई रक्षाबंधन हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। यह आपराधिक जांच विभाग यानी CID और राज्य पुलिस का अपनी तरह का पहला वर्चुअल कार्यक्रम है। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य साइबर स्पेस में जनता विशेषकर महिलाओं, युवाओं और बच्चों में जागरूकता पैदा करना है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में। 4 अगस्त को केंद्रीय पर्यटन मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया। इस विश्व स्तरीय परियोजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इको टूरिज्म के तहत 92 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ मंजूरी दी गई है। थेंजोल में गोल्फ कोर्स को कनाडा की सबसे बड़ी गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर कंपनी ग्राहम कुक एंड एसोसिएट द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका क्षेत्रफल है 105 एकड़ और इसमें 18 होल गोल्फ कोर्स और स्वचालित स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अमेरिका की कंपनी रैन बर्ड द्वारा निर्मित किया गया है। महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला हाल ही में किस देश द्वारा किया गया है? Which country has recently decided to portray Mahatma Gandhi's image on its coins? The right answer is option number A, Britain. Britain के विदेश मंत्री और भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक, और ये कौन है? ये इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। इन्होंने रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी को पत्र लिखते हुए कहा था कि अश्वेत एशियाई और अन्य अल्पसंख्यक जातीय समूहों ने समाज के निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है। वी टू बिल्ट ब्रिटेन अभियान का नेतृत्व करने वाली भारतीय मूल की जहरा जैदी ने ऋषि सुनक को एक पत्र लिखकर ऐसी मांग की थी। ध्यान में रखिएगा, द रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी ब्रिटेन में सिक्कों के डिजाइन और उनके विषय वस्तु पर सलाह देने वाली एक स्वतंत्र कमेटी है। किस देश में एक शक्तिशाली विस्फोट हमले के कारण 2 सप्ताह के लिए इमरजेंसी लगाई गई? इन विच कंट्री वाज इमरजेंसी इम्पोज्ड फॉर 2 वीक्स ड्यू टू अ पावरफुल एक्सप्लोजन अटैक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लेबनान में। राजधानी बेरूत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था। लेबनान अधिकारियों द्वारा अमोनियम नाइट्रेट को इस विस्फोट का कारण बताया गया है। ध्यान में रखिएगा कि जल में घुलित अमोनियम नाइट्रेट के घोल को गर्म करने पर यह नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? यह लाफिंग गैस है। इब्राहिम अलकाजी, जिनका निधन हाल ही में हो गया, का संबंध किस क्षेत्र से था? इब्राहिम अलकाजी हु पास्ड वेरी रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रंगमंच यानी थिएटर से एसोसिएटेड थे। और ये दिग्गज कलाकार तो थे ही और एक टीचर भी थे इसके। इनका निधन 4 अगस्त को 94 वर्ष की आयु में हो गया। अलकाजी लंबे समय तक यानी कि 1962 से लेकर 77 15 साल तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के निदेशक के तौर पर रहे थे। इस दौरान इन्होंने गिनीज कर्नाड के तुगलक और धर्मवीर भारती के अंधयुग जैसे सुप्रसिद्ध नाटकों का निर्माण किया और उन्हें प्रस्तुत किया। भारत में रंगमंच के क्षेत्र में क्रांति का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है?
पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कॉल्ड एक मास्क अनेक जिंदगी हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। राज्य के नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह जन जागरूकता अभियान चलाया गया। भारत सरकार ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में अगस्त 2020 के पहले सप्ताह में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 15.46 मिलियन US डॉलर। संयुक्त राष्ट्र के राजदूत के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक जोर्जे चेडिएक को यह चेक सौंपा। इस राशि में 6 मिलियन डॉलर की समग्र निधि भी शामिल है जिसमें सभी विकासशील देश साझेदारी के लिए पात्र होंगे और अन्य 9.46 मिलियन डॉलर सभी सामान्य राष्ट्रमंडल देशों को समर्पित होंगे। पाकिस्तान ने नए राजनीतिक नक्शे में निम्न में से किस भारतीय इलाके को शामिल किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रीजन्स हैव बीन इंक्लूडेड बाय पाकिस्तान इन इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़। पाकिस्तान ने भी नेपाल की तरह एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है और भारतीय इलाकों जम्मू कश्मीर, मैप में देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर, गुजरात के जूनागढ़, ये नीचे वाला क्षेत्र यहाँ पर ये वाला, और साथ साथ सर क्रीक लाइन, ये देखिए दो जहाँ पर लिखा हुआ है, इसे शामिल किया है। और यह भारत सरकार की तरफ से पिछले साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पहली वर्षी की पूर्व संध्या यानी 4 अगस्त को जारी किया है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने इन इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया है। ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान ने एक तरह से वर्ष 1947 के बंटवारे के समय किए गए तमाम वैधानिक कोशिशों को ठुकरा दिया है। मसलन जूनागढ़ में किए गए जनमत संग्रह को भी खारिज कर दिया है। वहाँ पर 1948 में जनमत संग्रह हो चुका है जहाँ पर 99.95% लोगों ने भारत में रहने का फैसला किया था। भारत ने इसे हास्यास्पद और बेवकूफाना हरकत बताया है। अवनींद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती के अवसर पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली द्वारा एक वर्चुअल टूर का आयोजन किया गया? ऑन द ओकेजन ऑफ विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर अ वर्चुअल टूर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 150वीं जयंती के अवसर पर। इनका जन्म 7 अगस्त 1871 को कोलकाता में हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई थी। इसी की वजह से आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास हुआ था। तो बहुत ही फेमस हस्ती है चित्रकला के मामले में अवनींद्रनाथ टैगोर और उन्हीं के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग देखिए। दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी कौन बन गई है? हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एप्पल कंपनी बन गई है। जून 2020 तिमाही परिणाम पेश करने के बाद एप्पल के शेयर में 10% से अधिक की ऊंचाई दर्ज की गई है। इसके साथ ही एप्पल ने सऊदी अरब के को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसका बाजार पूंजीकरण 1.82 ट्रिलियन US डॉलर पहुंच गया है जबकि सऊदी अरामको का 1.76 US ट्रिलियन डॉलर था। परिवार पहचान पत्र यानी PPP योजना किस राज्य में शुरू की गई है? परिवार पहचान पत्र PPP स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में इसे लॉन्च किया गया है। इस पहचान पत्र का उद्देश्य हरियाणा में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी और हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक परिवार को परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी एक समान PPP परियोजना को लागू करने की संभावना वहां की राज्य सरकार तलाश कर रही है। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ वकीलों को न्याय मित्र यानी
एमिकी क्यूरी के रूप में नामित किया है। हाउ मेनी सीनियर लॉयर्स हैज बीन नेम्ड एज एमिकी क्यूरी इन द कुलभूषण जाधव केस बाय टॉप कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तीन, इनके नाम क्या क्या हैं? आबिद हसन मंटो, हामिद खान और पाकिस्तान के पूर्व अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। कुलभूषण को अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इसे चुनौती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस जीता था। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2019 में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा था कि पाकिस्तान को कुलभूषण की सजा की समीक्षा करनी चाहिए। भारत में बाघ के अलावा कौन सा एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है जिसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय यानी इनडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। विच इज द ओनली मेजर कार्निवारस एनिमल अदर देन टाइगर इन इंडिया विच इज लिस्टेड इन द एंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ IUCN रेड लिस्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ढोल। तस्वीर में देखिए, इसे एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स के रूप में भी जाना जाता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में ढोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यूज में क्यों है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका मैमल्स रिव्यू में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया था जिनका शीर्षक था भारत में लुप्तप्राय ढोल के संरक्षण के लिए एक रणनीतिक रोड मैप। देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी, सन बियर और स्नो लियोपार्ड, ये हैं वल्नरेबल कैटेगरी में यानी इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी हिमालयन उल्फ, ये हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में। हाल ही में चर्चा में रहा NGC 2899 क्या है? व्हाट इज NGC 2899 विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये एक नेबुला है। हाल ही में खगोलविदों ने अंतरिक्ष में इथेरियन विंग्स देखिए को फहराती हुई एक इंटरस्टेलर घटना देखी। अंतरिक्ष में यह अनोखा प्रकाश एक गैस नेबुला जिसका नाम है NGC 2899 के कारण दिखाई दिया। इस तस्वीर को शिक्षा एवं सार्वजनिक आउटरीच के प्रोग्रामों के लिए यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO के कॉस्मिक जीन्स प्रोग्राम के हिस्से के रूप में कैप्चर किया गया था। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं यानी मैं जो भी बोल रहा हूं वो उस PDF में मेंशन रहे तो इसकी सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, इस PDF के माध्यम से इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आप आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे जो कि आपके एग्जाम में रिविजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाल ही में किस कंपनी ने उपभोक्ता विपणन अभियान मोर टुगेदर का अगला चरण लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज रिसेंटली स्टार्टेड द नेक्स्ट फेज ऑफ कंज्यूमर मार्केटिंग कंपेन मोर टुगेदर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक ने इसे शुरू किया है। इसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि कैसे देश भर के लोग प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों के नेटवर्क का उपयोग करके एक साथ कुछ और अधिक कर सकते हैं। भारतीय एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है भारत जहां इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव निलंगेकर का निधन हाल ही में हो गया? शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये महाराष्ट्र के CM थे। 5 अगस्त को 88 वर्ष की उम्र में पुणे में इसका निधन हो गया। 1985 से लेकर 1986 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। ये शुरू में कोरोना संक्रमित पाए गए थे हालांकि बाद में स्वस्थ हो गए थे और अस्पताल से छुट्टी भी दी गई थी। अंतिम प्रश्न, इसके बाद PDF के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारत नेपाल और UK के बीच गोरखा सैनिकों की सैन्य सेवा से संबंधित त्रिपक्षीय समझौता कब हुआ था? ट्रिपल टाइल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया नेपाल एंड UK रिलेटिंग टू द मिलिट्री सर्विस ऑफ गोरखा सोल्जर्स वॉज साइंड इन विच ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत के आज़ादी के साल। इस समझौते के अनुसार भारत और ब्रिटेन अपने देश की सेना में गोरखाओं की भर्ती कर सकते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से लेकर 1816 तक हुआ था जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है के दौरान जब अंग्रेज सेना को अधिक क्षति हुई थी तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने पहली बार अपनी सेना में गोरखाओं को भर्ती किया था। यह युद्ध 1816 की सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। नेपाल के गोरखा सैनिक
छह दशकों से भारतीय सेना का अभिन्न अंग रहे हैं और वर्तमान में 7 गोरखा रेजिमेंट में कुल 39 बटालियन कार्यरत है। न्यूज में क्यों है? हाल ही में नेपाली विदेश मंत्री ने कहा है कि गोरखा सैनिकों की भर्ती अब अतीत की विरासत हो चुकी है। यह ऐसा एकल द्वार था जिसे नेपाली युवाओं को विदेश जाने के लिए खोला गया था। बदले हुए परिदृश्य में 1947 का यह त्रिपक्षीय समझौता निरर्थक हो गया है, यह कहना था नेपाल के विदेश मंत्री का। तो आइए अब चर्चा करते हैं एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और उसके पीडीएफ के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन एमपीएन एकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 PDF हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक PDF में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में, तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको PDF के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 PDFs, प्रत्येक PDF में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे, तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है, तो कुल 280 मिनट। कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बायलिंगुअल रहेगा, हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज और आपको सारे PDF आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है, साथ में पेटीएम, फोनपे, UPI और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366000556। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही PDF मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंटआउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।